दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा के एक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, जो कि एक म्यूचुअल फंड प्लान है और यहां पे पैसा इन्वेस्ट करके आप मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड प्लान है इसका नाम है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, और यहां पे अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 10 साल के लिए, तो नेक्स्ट 20 साल के लिए आपको हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे, और यहां पे 20 साल के एंड में 20th ईयर के एंड में आपके पास में 21 लाख के अप्रोक्स में अलग से होगा। तो इस चीज का भी हम कैलकुलेशन आगे देखेंगे। तो ये जो टाटा का फंड है, सबसे पहले हम इस फंड के डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको समझेंगे, और एट द एंड हम कैलकुलेशन भी देखेंगे कि आप 5,000 रुपए से इतना पैसा हर महीने का, 10,000 रुपए का मंथली इनकम, और एट द एंड में 20 लाख रुपीज का जो कॉर्पस है वो किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहां पे अब हम सबसे पहला जो टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहला ये जो स्कीम है इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहां पे इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यहां पे आपका एटलीस्ट 80% जो पैसा है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होगा, यानी कि मिनिमम 80%, मैक्सिमम 100% भी आपका पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो सकता है। अब यहां पे कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट होगा, तो यहां पे जो कंज्यूमर ओरिएंटेड सेक्टर है, यानी कि जिस चीज को, प्रोडक्ट को, सर्विस को लोग कंज्यूम करते हैं, वो वाले सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, जिसके अंदर आ गया ऑटोमोबाइल्स, फिर यहां पे आ गया मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, फिर यहां पे आ गया FMCG, उसके अलावा यहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इस तरीके के इंडस्ट्री में अब कौन से कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होगा, इस चीज को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहां पे अगर मैं बात कर लूं फंड मैनेजर की, तो यहां पे फंड मैनेजर का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां पे आपका जो पैसा है वो फंड मैनेजर ही मैनेज करने वाले हैं। तो यहां पे इन्होंने अच्छे स्टॉक में आपका पैसा लगाया तो आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है, एंड यहां पे इनका जो स्टॉक है वो परफॉर्म नहीं किया तो आपका जो रिटर्न्स है वो कम भी हो सकता है। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि आप फंड मैनेजर के ऊपर ही बोली लगा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर ही आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स है वो डिपेंड करता है। तो यहां पे ये जो फंड मैनेजर है इस स्कीम के, इनका नाम है सोनम उदासी, और यहां पे इनके पास में 24 साल का एक्सपीरियंस है इक्विटी रिसर्च के अंदर, और यहां पे बहुत सारे जो टाटा के इक्विटी प्रोडक्ट है उसको ये मैनेज भी करते हैं सिंस अप्रैल 2016 से। तो यहां पे इनके पास में काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद यहां पे अब हम इस स्कीम के मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे अगर आपको एक साथ में पैसा इन्वेस्ट करना है लमसम में, तो आपको एक बार में 5,000 रुपए का कम से कम इन्वेस्टमेंट करना होगा, एंड उसके बाद अगर आपको लमसम में कभी करना है तो आप 1,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन पहली बार में अगर आपको लमसम करना है तो 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसके बाद 1,000, और यहां पे अगर आपको मंथली SIP के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी कि महीने महीने पैसा इन्वेस्ट करना है, तो यहां पे आपको मिनिमम 150 रुपए का हर महीने इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और यहां पे एडवाइजेबल भी यही होता है कि आपने मंथली SIP के थ्रू ही म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जब मार्केट ऊपर हो नीचे हो आप हर एक प्राइस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो जो लॉन्ग टर्म में आपका जो रिस्क है वो एवरेज आउट होते चले जाएगा। और यहां पे आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट विड्रॉ प्लान का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, यानी कि अगर आपको इस फंड से कुछ पैसे विड्रॉ करना है समय समय पे, मंथली वगैरह में या तो क्वार्टरली में, तो यहां पे आप हर महीने या तो हर क्वार्टर में पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको मिनिमम 500 रुपया विड्रॉ करना होगा। मैक्सिमम आप ज्यादा भी कर सकते हैं, मिनिमम लेकिन आपको 500 रुपया विड्रॉ करना होगा। यहाँ पे अब हम ये जो स्कीम है इसके कुछ अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात कर लूँ तो वो है 0.9%, जो 28 फरवरी 2022 को डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या होता है, तो ये बेसिकली फीस है जो इन्वेस्टर से चार्ज किया जाता है, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, जो भी फंड मैनेजर होते हैं, तो फंड मैनेजर का सैलरी, म्यूचुअल फंड कंपनी के खुद के एक्सपेंसेस होते हैं फंड को मैनेज करने का, तो ये सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टर से फीस चार्ज किया जाता है, उसी को एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है 0.9%, तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भी आपका रिटर्न्स होगा उसके अंदर से आपने 0.9% को माइनस कर देना है, तो यहाँ पे नेट रिटर्न्स आपका उतना बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका जो रिटर्न्स है वो है 15% का, तो उसमें से 0.9% को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो आपका नेट रिटर्न्स बनेगा वो बनेगा 14.10% का। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं एग्जिट लोड की बात कर लूँ, तो यहाँ पे अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस म्यूचुअल फंड को 30 दिन के पहले ही बेच देते हैं, तो उस केसेस में जो भी आपका सेल वैल्यू होगा उसके ऊपर आपको 0.25% का एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं टोटल असेट मैनेजमेंट की बात कर लूँ, यानी कि इस कंपनी के अंदर टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, तो फरवरी 2022 का डेटा है, तो कंपनी तकरीबन 1,279 करोड़ रुपीज लोगों के मैनेज कर रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इस स्कीम के लॉन्च के डेट की बात कर लूँ, तो यहाँ पे 28 दिसंबर 2015 को स्कीम को लॉन्च किया गया था। अगर इस स्कीम के एज की बात कर लूँ तो 6 साल 3 महीना पुराना ये स्कीम है, तो यहाँ पे आप इसके पास्ट के जो रिटर्न्स है
उसको भी देख के कंपेयर वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ये भी बात कर ले कि ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो किसके लिए सूटेबल है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि अगर आप कम समय के लिए 2-3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप 8-10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तभी आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं रिस्क प्रोफाइल की बात कर लूँ तो यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, वेरी हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इस स्कीम का जो SIP एनुअलाइज रिटर्न है, जो भी इनका पास रिटर्न है SIP वाला, उसकी बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर आप महीने महीने पैसा इन्वेस्ट करते थे पहले, तो यहाँ पे पिछले एक साल के अंदर इन्होंने 16.27% का रिटर्न दिया है, एंड यहाँ पे 2 साल के अंदर 27.8%, 3 साल के अंदर 23.43%, और यहाँ पे 5 साल के अंदर 16.92%। तो यहाँ पे आप इस कंपनी का जो अलग अलग साल का पास्ट रिटर्न है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप मंथली इनकम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और वहां पे सर्च करना है SIP कैलकुलेटर। उसके बाद यहां पे आपको बहुत सारे SIP कैलकुलेटर का लिंक मिल जाएगा, लेकिन मैं सिंपली पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूं एंड ये जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा, और इसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके आप इस कैलसी के ऊपर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बेसिक सा इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो यहाँ पे पूछा है कि आप हर महीने कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जो भी हमने म्यूचुअल फंड को डिस्कस किया, मैं मान के चलता हूँ कि हर महीने मैं उस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। उसके बाद पूछा है कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितना है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि पास्ट में म्यूचुअल फंड ने 16%, 18%, 20%, 22% का रिटर्न्स दिया था, लेकिन हमें ज़्यादा रिटर्न्स नहीं चाहिए। अगर हमें साल का 12% भी मिल गया तो हमारे लिए बहुत है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली 12% लिख दिया। आप चाहे तो ज़्यादा कम भी लिख सकते हैं। उसके बाद पूछा है कि आप कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमें 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा 10 साल के अंदर, तो वो होगा 6,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट हर महीने का 5,000 से। तो यहाँ पे हमारा जो रिटर्न्स बनेगा वो बनेगा 5,61,695 रुपीज़, एंड यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट का जो टोटल वैल्यू होगा वो होगा 11,61,695 रुपीज़। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ 10th ईयर हमारे म्यूचुअल फंड में कितना पैसा है, 11,61,695 रुपीज़। अब हमें आगे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें मंथली पैसा विड्रॉ करना है। तो इसके लिए सिंपली आपको वापस से गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको एक कैलसी का नाम सर्च करना है, वो है SWP कैलकुलेटर। तो ये जो कैलसी है इसके ऊपर आपको सिंपली सर्च करना है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे SW कैलकुलेटर का लिंक मिल जाएगा। मैं सिंपली पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इस कैलसी का जो लिंक है वो भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस SWP कैलकुलेटर के ऊपर आ सकते हैं। अब यहाँ पे हमें बेसिक सा इन्फॉर्मेशन फिर से फिल करना है। तो यहाँ पे हमारे एट द एंड ऑफ 10th ईयर में हमारे म्यूचुअल फंड में कितना पैसा था, तो वो था 11,61,695 रुपीज़। तो वो हमें सिंपली यहाँ पे लिख देना है कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो वो है यहाँ पे 11,61,695 रुपीज़ का। उसके बाद हमें पूछा है कि आप हर महीने कितना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम हर महीने 10,000 रुपये विड्रॉ करना चाहते हैं। उसके बाद पूछा है कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितना है, तो हमें 12% का रिटर्न्स मिल जाए तो हमारे लिए वो बहुत है, तो यहाँ पे मैं सिंपली 12% लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि आप कितने समय तक पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम आने वाले 20 साल तक पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंपली 20 साल मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने 20 ईयर्स लिखने के बाद में आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया था, वो था 11,61,695 रुपीज़। ये कैसे आया, तो ये मैं हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था आने वाले 10 साल के लिए, तो एट द एंड ऑफ 10th ईयर हमारे पास में 11,61,695 रुपीज़ टोटल बन गए थे। उसके बाद हमने कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, उल्टा हम हर महीने 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने 20 साल के अंदर कितना पैसा विड्रॉ किया, तो वो किया 24,00,000 रुपीज़। और यहाँ पे फिर भी पैसा विड्रॉ करने के बाद में एट द एंड ऑफ 20th ईयर हमारे म्यूचुअल फंड में कितना पैसा है, तो वो है 20,93,940 रुपीज़। तो तकरीबन 21,00,000 रुपये अप्रॉक्स हमारे पास में एट द एंड ऑफ 20th ईयर में बचता है। तो इस तरीके से आप 10 साल पैसा इन्वेस्ट करके आने वाले समय के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है एंड आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है हमने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, आप चाहे तो हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बनेगा वो बनेगा 49,95,000, यानी कि तकरीबन 50,00,000 रुपया। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली SWP कैलकुलेटर में 50,00,000 रुपये यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ।
उसके बाद हमें कोई पैसा विड्रॉ नहीं कर उसके बाद हमें कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, एंड हमें हर महीने का 50,000 रुपया विड्रॉ करना है। और यहाँ पे जो हमारा रिटर्न्स है उसको मैं मान के चलता हूँ 12% का हमें रिटर्न्स मिल जाए तो हमारे लिए बहुत है। एंड यहाँ पे हमें कब तक पैसा विड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे हमें 20 साल तक पैसा विड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 50 लाख रुपये का। हमने उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उल्टा हर महीने 50-50 हज़ार रुपया हमने विड्रॉ किया। तो टोटल हमने 20 साल में कितना पैसा विड्रॉ किया, तो वो विड्रॉ किया तकरीबन 1,20,00,000 रुपया। वो पैसा विड्रॉ करने के बाद में एट द एंड ऑफ 20th ईयर हमारे पास में तकरीबन 26,70,000 रुपया बनता है। तो इस तरीके से आप हर महीने 10 साल तक 5 साल तक 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करके आगे का अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान के थ्रू पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं और एट द एंड में आपके पास में कुछ पैसा भी बच सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि जो भी हमने पास्ट रिटर्न्स को डिस्कस किया, पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के जो रिटर्न्स को हमने डिस्कस किया, जरूरी नहीं कि आपको फ्यूचर में उतना ही रिटर्न्स मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि एक इक्विटी मार्केट है तो यहाँ पे वोलेटाइल होता है, कभी स्टॉक मार्केट नीचे कभी ऊपर, तो इस तरीके से यहाँ पे रिस्क काफी ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आपका जो रिटर्न्स है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी कितना है, आपका इनकम कितना है, आपका एज कितना है, उसके हिसाब से ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लंबे समय के लिए करना चाहिए। अगर आप 5 साल से कम का इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तब तो आपको डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो सकता है। अगर आप 8 साल 10 साल का इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तभी यहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आप अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लमसम में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको SIP मोड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे ये होगा कि अगर स्टॉक मार्केट नीचे है या तो ऊपर है तो आप हर एक प्राइस पे यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो आपका जो रिस्क है वो एवरेज आउट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको म्यूचुअल फंड अच्छे से समझता है और अगर मार्केट डिप में है तो यहाँ पे कुछ पैसा आप लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी आपको सोचना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे ये जो स्कीम का फंड, ये जो फंड का इन्फॉर्मेशन है, ये आपको इस फंड के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, टाटा का जो म्यूचुअल फंड का वेबसाइट है उसके ऊपर भी मिल जाएगा। तो उसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उस वेबसाइट पे जाके उस फंड का जो भी इंपॉर्टेंट और भी इंफॉर्मेशन है आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहिए। आपका जो भी कंसल्टेंट है, आपके जो भी एडवाइजर है, उनसे एक बार एडवाइस वगैरह लेके ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना, जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहां पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।